खुश कैसे रहते हैं? क्या सक्सेस से खुश रहते हैं? बहुत सक्सेसफुल लोगों को आपने देखा होगा, जानते होंगे अपनी फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में, क्या वो बहुत खुश है? पूरी तरह से अंदर से खुशी से भरे हुए, झूम रहे हैं, मजे कर रहे हैं, लाइफ के एक एक मोमेंट को मजे से जी रहे हैं? या उनकी अलग तरह की प्रॉब्लम्स हैं, आपकी अलग तरह की प्रॉब्लम्स हैं? जबकि आप बहुत सारे एस्पेक्ट्स में देखोगे जो इतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है, वो बहुत बेटर हैं उनसे जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। जैसे किसी कंपनी में जो जितना ऊपर बैठा है उसके ऊपर उतना ही प्रेशर भी है, उतनी ही टेंशन भी है। सक्सेस इज नॉट हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज सक्सेस। बट क्या हमको पता है कि खुश कैसे रहते हैं? कैन वी बी हैप्पी बाय प्रैक्टिस? ये क्वेश्चन अपने आप से पूछना, नहीं, डोंट से यस और नो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, इन्होंने कहा कि भाई प्रैक्टिस से हम खुश हो सकते हैं, मैं कह रहा हूँ प्रैक्टिस से खुश नहीं हो सकते, तो आप मेरी साइड ले रहे हो, इनकी नहीं ले रहे हो। डोंट डू दैट। आप समझ रहे हो ना, मैं ऐसे ही करते हैं ना अपने माइंड में, वी से यस और नो, बट सेइंग यस और नो इज नॉट इम्पॉर्टेंट। बट द थिंग इज कि हमको एक्चुअल में देखना है कि हम खुश कैसे हो रहे हैं, या ये पूरी दुनिया खुश कैसे हो रही है। इसको इस तरह से कहूं कि दिस डिजायर इज चॉइसलेस, यहां पर कोई चॉइस नहीं है। जैसे होता है ना कि आपको लाल रंग की शर्ट अच्छी लगती है या हरी रंग की, तो वहां पर चॉइस है ना। क्या यहां पर चॉइस है कि आपको खुशी अच्छी लगती है या दुख अच्छा लगता है, मजा अच्छा लगता है या दर्द अच्छा लगता है? कोई चॉइस है क्या यहाँ पे? कोई कहेगा मुझे दर्द अच्छा लगता है? नहीं, चॉइस नहीं है, दुख अच्छा नहीं लगता है, है ना। तो दिस इज चॉइसलेस। तो दैट मींस कि पूरी दुनिया, हर इंसान इंक्लूडिंग यू एंड मी, अपने इसी डिजायर को पूरा करने में लगा हुआ है अलग अलग तरीके से, खुश होने का डिजायर। तो हमको सिर्फ इतना सा समझना है कि पूरी दुनिया कैसे एक्ट कर रही है, और क्या कोई दूसरा भी रास्ता है? मैं कहता हूं हाँ है, ठीक है, जो इस दुनिया की सोच से परे है। वहां तक चलने के लिए पहले आपको अपनी सोच को छोड़ना होगा, क्योंकि मैं अगर कह रहा हूं सोच से परे है, तो वो सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूं, एक्चुअल में वो सोच से परे है। आई एम 100% श्योर आप में से कोई भी आज से पहले किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा होगा। तो अब अगर आपको उस पॉइंट को ग्रैस्प करना है पूरी तरह से, तो जो भी कुछ माइंड में है उस सबको छोड़ना होगा कुछ देर के लिए। क्या आप तैयार हो जो भी कुछ है माइंड में उसको छोड़ने के लिए? फिर उसके बाद देख लेना कि हो सकता है जो मैं कह रहा हूँ बकवास हो, फिर उसको उठा करके कचरे के डब्बे में डाल देना, और जैसे आप स्ट्रगल कर रहे हो वैसे करते रहना, जैसे पूरी दुनिया कर रही है खुश होने की स्ट्रगल। और क्या है बचपन से आज तक अगर देखा जाए, आपकी लाइफ को अगर समअप किया जाए, और क्या है खुश होने की स्ट्रगल? वी नीड डिजायरेबल थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस रिलेटेड टू समथिंग। वो चीज़ है, उसका थॉट हमको खुशी नहीं देता है। डिजायरेबल थॉट क्या है? कि ये चीज़ मेरी होनी चाहिए, वो हमको खुशी देता है। कोई पर्सन है, उसके साथ में हमारा रिलेशन है, समवन। जब रिलेशन अच्छा होता है तो हमको खुशी मिलती है। ये रिलेशन अच्छा एक्चुअल में क्या है? क्या एक्चुअल में फिजिकल लेवल पे कोई रिलेशन होता है, या माइंड के लेवल पे होता है? हाँ, इसको दोनों चीजों को अच्छे से समझ लेना, बिकॉज इसमें सारे थॉट्स आ गए। अभी जहां हम खुशी ढूंढ रहे हैं वो थॉट्स में ढूंढ रहे हैं। मैं थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, इसको भी क्लब करके एक वर्ड दे रहा हूं, थॉट्स। एक्चुअल में फिजिकल लेवल पे हमारा किसी भी चीज से कोई रिलेशन नहीं होता है। आपका पैसे से क्या रिलेशन है एक्चुअल में, एट अ फिजिकल लेवल? क्या आप उससे जुड़े हुए हो किसी चीज के साथ में? मतलब जैसे जमीन है, तो एक्चुअल में आपको जमीन से क्या रिलेशन है? क्या वो जमीन आपकी है? इस सच को देख पा रहे हो? पेपर पे आपकी है, आपके माइंड में आपकी है, क्या एक्चुअल में आपकी है? ना आपकी है, ना आपके बाप की है। ये बात समझ आ रही है? ये बात किसी की नहीं है। वो जमीन किसकी है? नेचर की है। मान लो तो किसी पार्क में भी आप जाकर के बैठ सकते हो, ये पार्क मेरा है कि नहीं? तो पार्क आपका हो गया अगर एक्चुअल में आपने मान लिया तो। ये बात समझ आ रही है, नहीं आ रही है? हाँ। और ये मान लिया कि मैं गरीब हूं क्योंकि मेरे पास में अपना घर नहीं है, तो आप गरीब हो। तो ये सारा खेल माइंड के लेवल पे चल रहा है, एक्चुअल में कहीं भी नहीं है। मान ही तो रहे हो, ये आसमान मेरा है, ये तारे मेरे हैं, ये बादल मेरा है, ये बारिश मेरी है, ये नेचर किसके लिए है? इसका मीनिंग क्या है अगर इसको कोई देखने वाला नहीं है, जानने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं है? इस नेचर की क्या वैल्यू है अगर यहां पर कोई है ही नहीं? इस प्लैनेट पे अगर लाइफ नहीं है तो इस सबका मतलब क्या है? तो मानने के ऊपर है ना कि ये सब कुछ मेरे लिए हो रहा है, लेकिन हम ऐसे कभी सोचते नहीं है। हम क्या करते हैं,
छोटा छोटा सोच बस मैं ये कपड़े मेरे, ये छोटी अलमारी मेरी, ये छोटा सा ये साइकिल मेरी, ये स्कूटर मेरा, ये गाड़ी मेरी, ये घर मेरा, बस वहीं पर उलझे रह जाते हैं, ऐसे ही मर जाते हैं, है कि नहीं? तो हमारी दौड़ क्या है, इसको आराम से समझना, बिकॉज है ना, कहीं भी ये मत समझ लेना कि मैं आपको ये कह रहा हूं कि पैसे की वैल्यू नहीं है, पैसे की बहुत वैल्यू है, ठीक है ना, मतलब वहां से कंफर्टेबल लाइफस्टाइल आपको मिलता है, कंफर्ट की वैल्यू है, बट उसका खुशी से कनेक्शन नहीं है, खुशी का कनेक्शन किसी और चीज से है, राइट अंडरस्टैंडिंग से है। हम कैसे खुश होने की कोशिश कर रहे हैं, एक्चुअल में फिजिकल लेवल पे हम कहीं जुड़ते नहीं हैं, ना चीजों के साथ में, ना लोगों के साथ में, बस अपने माइंड में जुड़ जाते हैं। जैसे आप किसी पर्सन के साथ में जुड़ गए तो जुड़ने में खुशी नहीं मिलती है, जुड़ने के बाद में जैसा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर ओन लिमिटेड डिजायर्स, जब वो हो रहा होता है तब हम खुश होते हैं, उसका एग्जैक्ट अपोजिट होता है तो हम दुखी हो जाते हैं, एकदम से मन करता है सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाओ, सब बेकार है, घर भी बेकार है, ये भी बेकार है, वो भी बेकार है, मन करता है नहीं करता है, बहुत गुस्सा आ जाता है अंदर से, मतलब जितना मजा आया था उतना उससे बहुत ज्यादा, उससे कई गुना ज्यादा गुस्सा भी आता है, क्योंकि इस थॉट में मजा आता है, नो डाउट देयर इज प्लेजर इन दिस थॉट, जब हमारे अकॉर्डिंग कुछ हो रहा होता है तो मजा आता है, आता है नहीं आता है कि कोई पर्सन हमारे अकॉर्डिंग एक्ट कर रहा है, मजा आता है, जैसा हम चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग कुछ हो रहा है, सक्सेस मिल रही है, मजा आता है, जैसे ही हमारे अकॉर्डिंग कुछ होना बंद हो जाता है, आप एक बिजनेस कर रहे हो जब तक आपके अकॉर्डिंग सब कुछ हो रहा है तब तक तो ठीक है, जैसे ही आपके अकॉर्डिंग होना बंद हो जाता है, आपके एम्प्लॉयज ने कुछ ऐसा किया जो आपके अकॉर्डिंग नहीं है, तो गुस्सा आएगा नहीं आएगा, फ्रस्ट्रेशन आएगी, फिर धीरे धीरे आप देखोगे उसके अंदर कड़वाहट आने लग जाएगी, जिसके अंदर जितनी ज्यादा कड़वाहट आ गई समझ जाओ खुशी से उतना ही दूर है, जी रहा है, जिंदा लाश है। ये एक प्रॉब्लम है थॉट के लेवल पे खुश होने में। दूसरा प्रॉब्लम, अगर आपने इस थॉट को पकड़ा है जिसकी वजह से आप खुश हो रहे हो कि मैं उस इंसान के साथ रिलेशनशिप में हूं, जिस इंसान को मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता हूं या करती हूं, इसकी वजह से आप खुश हो रहे हो, तो क्या इसका अपोजिट थॉट यानी कि ये रिलेशन कभी भी खत्म हो सकता है, वो उसके पीछे नहीं पड़ा हुआ है, उसका पीछा नहीं कर रहा है, तो क्या जहां पर आप सुखी हो रहे हो उसके पीछे दुख नहीं है, या ये कह लो कि एक सिक्का है उसका हेड है सुख, मतलब आप एक रिलेशनशिप की इस साइड को देख करके खुश हो रहे हो कि अभी मैं उसके साथ रिलेशनशिप में हूं, हमारी शादी हो गई, जिसके साथ मैं रिलेशन में रहना चाहती थी या चाहता था, और हमारा रिलेशन आज बहुत अच्छा चल रहा है। ये दो अलग अलग चीजें हैं, एक है आज आप रिलेशनशिप में हो, तो क्या इसके पीछे दूसरा सिक्के का ये पहलू नहीं है कि रिलेशन कभी भी खत्म हो सकता है? Yes. वो मर सकता है इंसान? Yes. तो क्या डर इसके पीछे नहीं चल रहा? तो जहां डर होता है, जिस थॉट के पीछे, हम इग्नोर कर सकते हैं, हम शो ऐसे कर सकते हैं, नहीं 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 कोई डर नहीं है, पर जितना ज्यादा आपको खुशी मिल रही होती है उस इंसान के साथ में, ये सोच के तो आप खुश हो रहे हो ना कि हाँ हो गया हो गया हो गया, मतलब यही, आई वॉज वेटिंग फॉर दिस मोमेंट टू हैपन। तो जितना हम खुश हो रहे होते हैं उतना ही दुख भी होगा या नहीं होगा? और अगर उस मोमेंट में हम खुशी ना हो तो दुख भी नहीं होगा, है कि नहीं? लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं है। अब इसको ऐसे मत समझ लेना कि मैं ये कह रहा हूं कि आप भी खुशी ना हो तो जिंदा लाश बन जाओगे, नहीं, समझ गए ना? तो ये सब जो हो रहा है वो सब तो वैसे ही होगा जैसा हो रहा है, बस कुछ ऐसा हो सकता है आपको समझ आ जाए जिससे सब कुछ एकदम से बदल जाएगा। दूसरा क्या होता है, आज सब कुछ बहुत अच्छा है मेरी लाइफ में, वो बंदा वैसे ही एक्ट कर रहा है जैसा मैं चाहता हूं या चाहती हूं, मैं चाहता हूं कि वो मेरे पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करे, वो जो लड़की है वो कर रही है, मैं बहुत खुश हूं। अगले दिन मैं घर में आया, मैंने देखा वो चीख चिल्ला रहे हैं, मैं दुखी हूं। तो जिसको आप खुशी कह रहे हो वहां पर तो डर ही डर है, खुशी तो मुझे कहीं नजर आ नहीं रही है, बहुत ही टेम्पररी है। और हम खुश कैसे होते हैं, कुछ प्लेजर्स में इंडल्ज हो करके, लेकिन वो मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैं अपने बहुत सारे सेशंस में टच कर चुका हूं कि वहां पर क्या प्रॉब्लम है, एडिक्ट हो जाते हैं हम। दोज आर मोर लाइक एस्केप्स। जब लाइफ में प्रॉब्लम ज्यादा होती हैं तो हम एस्केप्स ढूंढते हैं, भागते हैं उस सिचुएशन से, मन नहीं करता कि सब कुछ छोड़ छाड़ के भागो, तो ये एस्केप्स हैं,
इस पर्सन के साथ में प्रॉब्लम है तो यहां से भागो, उस पर्सन के पास जाओ. तो वी आर ऑलवेज रनिंग फ्रॉम हियर टू देयर. और इस भागने के चक्कर में क्या होता है, जो हो रहा होता है एक्चुअल में उसको हम कभी देखते ही नहीं है कि अंदर हो क्या रहा है. हम तो भाग रहे हैं एक चीज से दूसरी चीज की तरफ. एक चीज को बहुत एफर्ट करके अचीव किया, उसके बाद में वो चीज या तो पुरानी हो गई या उससे बोर हो गए या किसी और के पास में उससे बेटर कोई चीज आ गई. गाड़ी हो सकती है, घर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो वो चीज जिससे रिलेटेड आपके माइंड में बड़े अच्छे थॉट्स आ रहे थे कि मैंने पता नहीं क्या अचीव कर लिया. जब 10 लोगों के बीच में आप खड़े होते हो तो वो आपको गरीब की तरह देखते हैं कि क्या किया है तूने. होता है नहीं होता है? हाँ. और वो जिसकी वजह से आपके अंदर बड़े अच्छे थॉट्स आ रहे थे कि मैं तो पता नहीं क्या बन गया हूं किसी और को देख करके, और हो सकता है जिसको देख करके ऐसे थॉट्स आ रहे थे वो आपसे और आगे निकल गया, अब और परेशान हो रहे हो. तो ये तरीका है जी दुनिया के पास में खुश होने का, यानी क्या जो मैं चाहता हूं वो हो जाए. कुछ भी हम अपने माइंड में कोई आइडिया बना लेते हैं, कोई कॉन्सेप्ट बना लेते हैं और हम चाहते हैं कि वो हो जाए तो हम खुश हो जाते हैं. बट हम कभी ये नहीं समझते वहां पर क्या फ्लॉ है. जैसे स्पेशली बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के, अगर आपने उनको ऑब्जर्व किया हो, वहां पर क्या हो रहा है आजकल, ये प्लास्टिक सर्जरी बहुत चल रही है. पता है आप लोगों को, आइडिया है? आप देखते होगे, मतलब कभी नोट किया हो कि कभी लिप्स बड़े हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, नाक बड़ी हो जाती है, छोटी हो जाती है, शक्ल पहले अच्छी थी अब और बुरी हो जाती है. तो समझो क्या हुआ, मतलब कितना फ्रेजाइल है कि शीशे में आपने अपनी शक्ल देखी और देख के कहा कि मैं, पूरी दुनिया आपको कह रही है कि आप बहुत सुंदर हो, लेकिन आपने देखा कि नहीं, मेरी जो नाक है ना वो लंबी है. तो अब आपको क्या चाहिए, छोटी नाक चाहिए. नाक को आप गए किसी डॉक्टर के पास में, जाके प्लास्टिक सर्जरी कराई, नाक छोटी करा ली, थॉट्स ही बदल रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा, और खुश हो गए देखते ही, वाह क्या किया है तुमने. लेकिन जैसे ही आपकी अगली मूवी आई तो ऑडियंस ने देख करके क्या, ये क्या फुद्दू बनती है, ये क्या कर दिया तुमने, पहले बेटर थी तुम्हारी शक्ल, अब बेटर नहीं है. तो वो थॉट बदल गया ना या नहीं बदला? वो थॉट जिसकी वजह से वो खुश हो रही थी, जिसकी वजह से पता नहीं कितना अपना काट पीट करवाई, ये करवाई वो करवाई, और करके शीशे में देखा, आ हा हा मजा आ गया, वो मजा कहां गया? जैसे चार लोगों ने आकर के बोला ये क्या है, पहले ही सही था, अब वहां भी नहीं जा सकते, नाक लंबी कैसे होगी, छोटी तो हो जाती है, समझ आता है. जिंदगी भर के लिए फंस गई ना वो. क्यों? क्योंकि वो खुशी कहां ढूंढ रही है? लोगों के कमेंट्स, या तो अपने ही एक आइडिया में, अपने ही माइंड में एक थॉट क्रिएट किया कि नाक लंबी मतलब बुरी, छोटी मतलब अच्छी, रंग काला मतलब बुरा, गोरा मतलब अच्छा, और फिर उसके पीछे भाग रहे हैं. कभी देखा ऐसे कुछ लोगों को, मतलब कुछ क्रीम व्रीम लगाई और उसके बाद में गोरे भी हो गए, लोगों ने कहा ये क्या भूत आ गया. होता है, क्योंकि रिएक्शन हो जाते हैं ना कई तरह के, कई स्पॉट्स पड़ जाते हैं और हो जाते हैं, हर चीज़ के अपने प्लस माइनस होते हैं ना. फिर इंसान कहते हैं ये क्या हो गया, पहले ठीक था मैं तो. तो सुंदरता कहाँ है, बाहर है अंदर है? एक्चुअल में असली सुंदरता किसको कहेंगे, कि जो है उसको बदलना, या जो भी है जैसा भी है उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेना, उसको रियल ब्यूटी कहेंगे अंदर से. बट ऐसी एक्चुअल में है, ऐसा हम कभी सोचते नहीं है, क्योंकि लोग हमारे आसपास में हमको रियलाइज कराने के लिए बैठे हैं. ये पूरी की पूरी जो दुनिया है, मार्केटिंग की दुनिया है, वो आपको ये जताने के लिए बैठी है कि आप कितने भद्दे हो और वो कितने सही है. एब्स है, ये है, वो है, फेस मोटा है, ये है, पतला है, पता नहीं क्या क्या दिमाग में भरा पड़ा है. तो क्या इस तरह से कभी भी आप खुश हो सकते हो? इम्पॉसिबल. यही दुनिया की कहानी है. दुखी है लोग अंदर से, आंखों में एक सुकून नहीं मिलेगा, डीप सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, फड़फड़ाए हुए हैं, भाग रहे हैं, अमीर से अमीर, गरीब से गरीब, सब कोशिश कर रहे हैं खुश होने की. कैसे कर रहे हैं? ऐसे ही कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं. कहां जुड़ रहे हैं? थॉट के लेवल पे जुड़ रहे हैं, एक्चुअल में तो जुड़ते ही नहीं है. और चीजें, मोर पोजेशंस, वहां पर खुशी नहीं मिलती है. कुछ भी आप पोजेस करते हो किसी भी चीज को, कुछ देर के लिए खुशी मिलती है, उसके बाद में मिलनी बंद हो जाती है, वो ज्यादा कम लगने लग जाता है जो एक टाइम पे ज्यादा लगता था. आप लोगों का सबका एक्सपीरियंस है, कोई बच्चे तो हो नहीं आप लोग. सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? हाँ, अभी भी ये नहीं आप कह सकते डीपली, अगर अपने आप से सच बोलो शीशे में देख करके, कि जो भी है जैसा भी है मेरे बाहर मेरे अंदर, मैं उससे पूरी तरह से सेटिस्फाइड हूँ, मुझे कुछ भी नहीं बदलना है इस दुनिया में. सब कुछ रहता है, रहे जाता है, चला जाए. जब ये नहीं कर सकते, इसका मतलब डर में जी रहे हो ना. आई एम नॉट टू श्योर आपके लिए क्या मायने रखता है
क्योंकि मेरे लिए इससे ज़्यादा कोई और चीज़ मायने नहीं रखती, ये समझना कि भाई खुशी क्या है, खुश कैसे होते हैं। कुछ भी कर लो, वो जो डिज़ायरेबल थॉट है वो बना नहीं रहता है। डिज़ायरेबल थॉट इज ऑलवेज रिलेटेड टू समथिंग और समवन और आसेल्स, नथिंग एल्स, इसके अलावा और कुछ नहीं है। समथिंग थिंग्स भी बदल रही है, उससे रिलेटेड थॉट्स भी बदल रहे हैं, सिचुएशंस भी बदल रही हैं, लोग बदल रहे हैं, आप खुद बदल रहे हो। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, एंटरटेनमेंट। सबको एंटरटेनमेंट चाहिए, उसके लिए हम भूखे हुए पड़े हैं। तो समझ जाओ, जहां पर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जितनी ज्यादा बड़ी है, समझ जाओ लोग उतने ही परेशान हैं। आप कभी पहाड़ों पे अगर गए हो या ऐसी किसी जगह पर गए हो, किसी हिल स्टेशन पे, वहां जा करके देखोगे जहां पे लोग पीसफुल है ना, अपनी लाइफ से खुश है, वहां बिना एंटरटेनमेंट के भी वो खुश है। दे डोंट नीड टू मच ऑफ एंटरटेनमेंट। बट जहां पर अंदर से जो जितना परेशान है, वहां पर उतना ही चीजें चाहिए अपना ध्यान बटाने के लिए, अपने ध्यान को डाइवर्ट करने के लिए। मोबाइल, ये सब क्या हो रहा है मोबाइल के अंदर, यही सब हो रहा है। मोबाइल चाहिए, टीवी चाहिए, टीवी सीरियल्स चाहिए, ये चाहिए, मतलब टिक करके बैठ नहीं सकते। और क्या किसी चीज पे डिपेंड हो जाना खुशी है, उसके एडिक्ट हो जाना ये खुशी है, या पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो जाना? कि खुश रहने के लिए आपको कोई चीज नहीं चाहिए, कोई चीज मतलब कोई चीज नहीं चाहिए। कि अगर आने वाली आपकी पूरी लाइफ के लिए जो भी चीजें आपके पास में है वो सब आपके पास से छीन ली जाए, आपसे ले ली जाए, तब भी आप खुशी से झूम रहे हो। इंसान है तो उनके साथ में भी आप खुश हो, उनके बिना भी आप खुश हो। अब ये नहीं कि इसका मतलब ना लोग ये निकाल लेते हैं कि हाँ, अगर मैं इसीलिए ये बात क्लियर कर रहा हूँ, फिर नहीं तो माइंड में क्या आएगा, मैं कहूँगा कि चाहे कोई नहीं भी है तब भी आप खुश हो, तो आप क्या कहोगे, हाँ बाढ़ में गई दुनिया। तो रिलेशन की और धज्जियाँ उड़ेंगी, तब उसको इंडिपेंडेंस नहीं कहेंगे। इंडिपेंडेंस किसे कहेंगे? देखो, एक आदमी है वो कहता है कि मैं दुनिया के साथ में खुश नहीं रह सकता, उसको इंडिपेंडेंस कहोगे? क्योंकि रहना उसको दुनिया के साथ ही है। आप सब कुछ छोड़ छाड़ के भी चले जाओगे, किसी आश्रम में भी रहोगे, वहाँ भी तो लोग होंगे या नहीं होंगे? हाँ, तो रहना तो आपको लोगों के साथ ही है। तो एक आदमी कहता है कि नहीं, मैं इस दुनिया के साथ में खुश नहीं रह सकता, दुनिया बहुत बुरी है, ये है वो भगोड़ा है, वो भाग रहा है। दूसरा है जो कहता है कि नहीं, मैं तो ना तभी खुश रह सकता हूँ या रह सकती हूँ जब मेरे आसपास में चार पांच लोग हो, अकेले में मुझे बड़ा डर लगता है, इन सॉलिट्यूड मेरी हालत खराब हो जाती है, अजीब तरह के थॉट आ जाते हैं माइंड में। तो मुझे लोग चाहिए अपने आसपास में, कुछ लोग जिनके साथ में बड़बड़ कुछ ना कुछ चलता रहे, ताकि अंदर जो बड़बड़ हो रही है वो ना दिखे। दोनों को आप इंडिपेंडेंट कहोगे? जहां इंडिपेंडेंस नहीं है वहां पर खुशी नहीं है। इंडिपेंडेंस ही तो खुशी है, फ्रीडम ही तो खुशी है। चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो, उसको अगर बांध दिया जाए, चाहे फिजिकल लेवल पे चाहे माइंड के लेवल पे, वो खुश कैसे हो सकता है? अपने अंदर झांक के देख रहे हो कि क्या हम बंधे हुए हैं, नहीं बंधे हुए हैं? अपनी तरह तरह की उम्मीदों से हम बंधे हुए हैं। उम्मीद है कि हाँ, अभी तक तो एज हो गई, मान लो 30 साल है ना, अभी तक तो वो नहीं हुआ, बहुत ट्राई कर लिया, जो मैं सोच रहा था या सोच रही थी वो परफेक्ट सिचुएशन क्रिएट नहीं हुई, लेकिन एक उम्मीद है कि शायद 5 साल में हो जाएगी, 10 साल में हो जाएगी। अभी तक सब कुछ ठीक नहीं हुआ है, लेकिन 5 साल बाद हो जाएगा, 10 साल बाद हो जाएगा। तो एक उम्मीद में हम जी रहे हैं, ये उम्मीद ही पिंजरा है, इसमें आप बंधे हुए हो और हमको खुद को पता नहीं है। उम्मीद क्या, जैसा मैं चाहता हूं वैसा हो जाए, और क्या है? और ये इल्यूजन कि वो हो गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होता है। जो भी आप सोच रहे हो, अब मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मतलब रियलिटी को हम एज इट इज देख रहे हैं। सोच रहे हो ना, ये वो ये, एक लॉटरी की टिकट भी अगर आपकी निकल जाए तो अभी सुनने में लगेगा कि हाँ, 1 करोड़ की लॉटरी की टिकट निकल गई तो पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। कुछ देर के लिए होगा, कुछ दिनों के लिए होगा, उसके बाद में कुछ नहीं होगा। क्या कोई ऐसा रास्ता है जिस पर हम किसी भी तरह के कोई भी थॉट पे डिपेंड ना हो खुश होने के लिए? ये बात ध्यान से सुन लेना, मतलब ये बहुत डीप है अगर इसको आप पकड़ पाओ तो। चीज़ों से आप एक्चुअल में नहीं जुड़ते हो, लोगों से आप एक्चुअल में नहीं जुड़ते हो, अपने जो आइडियाज़ हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं माइंड में बनाए हुए हैं, सुंदर के बदसूरत के, उससे आप एक्चुअल में नहीं जुड़ते हो। कुछ करा लेने से आप सुंदर नहीं हो जाते हो, बदसूरत नहीं हो जाते हो, सिर्फ अपने माइंड के लेवल पे वो चेंजेस चल रहे होते हैं। समझ गए या नहीं? रिलेशन कभी एक्चुअल में परफेक्ट नहीं होता है, माइंड के लेवल पे कभी लगने लग जाता है सब कुछ परफेक्ट है, फिर लगने लग जाता है सब कुछ बेकार है ना। तो एक्चुअल में सब थॉट के लेवल पे हो रहा होता है, माइंड के लेवल पे हो रहा होता है।
तो वहां पे हम फ्लॉ देख रहे हैं क्लियर कट कि वो थॉट्स बदलते चले जा रहे हैं। तो अगर हम थॉट के थ्रू खुश होने की कोशिश कर रहे हैं, थॉट में फीलिंग्स आ गया, इमोशंस आ गया, थॉट्स आ गए, सब कुछ आ गया, उसके थ्रू अगर हम खुश होने की कोशिश कर रहे हैं, थॉट के लेवल पे हम खुश होने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम कभी खुश नहीं हो सकते। ये बात क्लियर है ना? मैं इसको रिपीट तो ना करूँ ना? क्योंकि थॉट का अपोजिट हमेशा तैयार रहता है। मेरा रिलेशन अच्छा है तो वो बुरा होने में एक ही एक सेकेंड का फर्क है, मेरे पास ये है वो जाने में एक सेकंड का फर्क है, ये मिलने वाला है, मैं ये एफर्ट कर रहा हूँ पिछले 5 साल से, बस अब मैं अपने गोल के पास पहुंच गया हूँ, मिलने वाला है, वो फेलियर में एक सेकंड का फर्क है, सब कुछ ठीक हो रहा है, सब कुछ खराब होने में एक सेकंड का फर्क है, ठीक है ना? तो जैसे ही वो बदला, थॉट बदल गया, तो ऑल्टरनेट करता रहता है। तो एक तरीका है थॉट के लेवल पे खुश होने के, एक है बिना थॉट के खुश होने के, मतलब अपनी खुशी को थॉट से ना जोड़े। थॉट से किसको जोड़े? कोई काम करने को, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, वो बैठे रहने से नहीं आएगा, खुशी से नहीं आएगा, खुशी से पेट नहीं भरेगा, खुशी से बच्चों के स्कूल की फीस नहीं आएगी, खुशी से गाड़ी नहीं आएगी, बसों में धक्के नहीं खाना पड़ेगा, गाड़ी आएगी, बढ़िया है, बुरा नहीं है। वो किससे आएगा? थॉट से आएगा, माइंड से आएगा, एक्शन से आएगा। एक्शन के लिए पहले सोचना पड़ेगा ना, ऐसा तो नहीं बिना सोचे समझे एक्ट करने लग जाओगे। तो थॉट को हम यूज कर सकते हैं सक्सेसफुल होने के लिए, सक्सेस को हम यूज कर सकते हैं पैसे के लिए, पैसे को हम यूज कर सकते हैं कंफर्ट के लिए, एक कंफर्टेबल लाइफस्टाइल के लिए जो जरूरी है, ठीक है, खुशी के लिए क्या करें? ये नहीं हुआ, ये हो जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। क्या हो जाएगा? इतना कुछ तो हो रहा है इस दुनिया में, बारिश हो रही है वो हमको नहीं दिखती है, लेकिन मेरा ये नाम हो जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, ये मिल जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, कितनी देर तक टिकेगा उससे रिलेटेड थॉट? क्योंकि उस टाइम पे कुछ बुरा भी हो रहा होगा, हर चीज का प्लस माइनस होता है ना, फ्री में कुछ नहीं मिलता है, सक्सेस फ्री में नहीं मिलती है। जब सक्सेस मिलेगी तो साथ में ऐसे भी लोग आकर के जुड़ जाएंगे आपके साथ में जो आपसे ज्यादा पावरफुल होंगे, और वो अपने मतलब के लिए आपको यूज कर रहे होंगे, आपका टॉर्चर कर रहे होंगे, तो वो तो मिल गया जो चाहिए था, वो वाला थॉट तो पूरा हो गया, लेकिन साथ में सफरिंग भी तो आ गई ना, वो वाले थॉट्स भी तो आ गए। हम ये चाहते हैं कि हमको ये तो मिल जाए लेकिन खोना ना पड़े, पाने के लिए खोना भी तो पड़ेगा, तो जब वो खोगे तो उससे रिलेटेड भी तो थॉट्स आएंगे, तो खुश कैसे होगे? तो अगर हिम्मत है तो इस सच को देख लो, अगर देख सकते हो तो, नहीं देखना आपकी चॉइस है, कि थॉट के लेवल पे खुश होना इम्पॉसिबल। तो अब क्या करें, कैसे खुश होएं? क्या कोई और रास्ता भी है खुश होने का? क्योंकि लोगों को तो यही नहीं पता है कि बिना थॉट के क्या होता है, थॉट क्या होता है। एक बात बताओ, आप यहां पर बैठे हो, अपनी सांस चलाने के लिए आपको सोचने की जरूरत है क्या? अपने आप चल रही है। देखने के लिए सोचने की जरूरत है क्या? जो दिख रहा है उसको समझने के लिए सोचने की जरूरत है, उसको यूज करने के लिए सोचने की जरूरत है, देखने के लिए सोचने की जरूरत है, सुनने के लिए सोचने की जरूरत है, जो सुन रहे हो उसको समझने के लिए सोचने की जरूरत है, सुनने के लिए सोचने की जरूरत है। जब काम करना है तो थॉट चाहिए, ऑफिस में थॉट चाहिए, वहां पे खाली नहीं बैठ सकते, पूरे दिन तो ऑफिस में नहीं रहते ना, घर पे होते हो, संडे का दिन भी मिलता है, बीच बीच में सुबह का टाइम मिलता है, रात का टाइम मिलता है, तो उस टाइम पे क्या कर सकते हो? खुश हो सकते हो। खुश कैसे होते हैं? कुछ करके खुशी होने वाली है, करके खुश होना मतलब थॉट के थ्रू खुश होना, विच इज इम्पॉसिबल, जो हम देख चुके हैं। तो कैसे खुश होगे बिना करे? सब कुछ अपने आप होता रहा है, कुछ करने की जरूरत क्या है? जो हो रहा है वो कम है क्या? वी डोंट नीड थॉट टू बी हैप्पी। ये अगर इस दुनिया को समझ आ जाए तो कमाल हो जाए। अब आपको खुश रहना आ गया, अब इस खुशी को आपसे कोई छीन नहीं सकता है, अब आप थॉट को यूज कर सकते हो, थॉट आपको यूज नहीं करेगा, अभी आप थॉट के पीछे भाग रहे हो, फिर थॉट आपके पीछे भागेगा। बात समझ आई? आप अपने थॉट्स के पीछे ही तो भाग रहे हो, और कहां भाग रहे हो सुबह से रात तक? वो कर रहे हो जो करना पसंद नहीं है, वैसी जिंदगी जी रहे हो जो नहीं जीना चाहते हो, बहुत कुछ करना चाहते हो नहीं कर रहे, क्यों? डर की वजह से। ये डर क्या है? थॉट है। कुछ अचीव करना चाहते हो जो पता है कि उसको अचीव करने के बाद भी कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि उससे लाख गुना ज्यादा जिन लोगों ने अचीव कर लिया उनका ही कुछ नहीं हुआ, तो मेरा क्या खाक होगा? फिर भी भागे चले जा रहे हैं अंधों की तरह। तो आप किसके पीछे भाग रहे हो? अपनी ही तो एक सोच है जिसको पकड़ के बैठे हो, उसको सच करने में लगे हुए हो।
तो जब हमारी उम्मीद टूट जाती है कि थॉट से खुशी तो नहीं मिल सकती जी, पैसा मिल सकता है ये वो, ठीक है तो थॉट को उसी के लिए यूज करो, अब पूरी पावर के साथ करो, अब आपके हाथ में पूरा कंट्रोल है, कोई डर है ही नहीं, थॉट मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता है, डर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्या हो जाएगा? आई बात समझ नहीं आई? कुछ भी हो जाए ब्रेथ तो फिर भी चलेगी, और अगर इसके एक लेवल और आप डीप में जाओगे, जो आई एम नॉट टू श्योर के ब्रेथ नहीं भी चल रही होगी, ये बॉडी नहीं भी होगी, तब भी मैं हूं, मेरे होने के ऊपर इस सब का कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इसको एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो, नहीं तो ये बिलीफ बन जाएगा, फिर आप कुछ इमेजिनेशंस बना लोगे, अच्छा मैं हूं इसका मतलब यहां से कुछ निकलेगा, वो कहीं और जाएगा, किसी कुत्ते की बॉडी में जाएगा, बिल्ली की बॉडी में जाएगा, वहां घूम जाओगे, वो सब नहीं। लेकिन इसको आप कैसे समझ सकते हो मेरी इस बात को, कि मैं सच बोल रहा हूं झूठ बोल रहा हूं, बकवास कर रहा हूं, कैसे वेरीफाई कर सकते हो? जब टिक करके बैठोगे एक जगह पर, जो है उसको देखोगे, उसको समझोगे, तभी तो हो सकता है ना, उसके बिना तो पॉसिबल ही नहीं है। कब ये देख सकते हो कि अगर आप अपने घर की छत पे लेटे हुए हो और ऊपर बादलों की तरफ देख रहे हो, तो कब इस सच को आप एज इट इज देख सकते हो और समझ सकते हो कि सब कुछ मुझ में है? Thoughtless mind is key for happiness. Thoughtless mind is key for happiness, but what is thoughtless mind? वहां तक हम पहुंचेंगे कैसे? Thought से ये देखना कि thought की क्या limitation है, इसका मतलब आप thought से परे हो गए। नहीं तो अगर आप एक thoughtless state में जाने की कोशिश कर रहे हो, तो आप एक vegetable के जैसे बन गए। समझे? एक है आप समझ करके कि thought खुश होने के लिए काम नहीं आने वाला है, ये बात आपको गहराई से समझ आ गई है, इसलिए मैं थॉट को यूज नहीं कर रहा हूं, बिकॉज आई एम इंटेलिजेंट इनफ, आई एम वाइज इनफ टू अंडरस्टैंड कि थॉट यहां पर काम नहीं आने वाला है, थॉट मुझे डीप सेटिस्फैक्शन लाइफ में नहीं दे सकता है, डिससेटिस्फैक्शन दे सकता है, सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकता है, मुझे फियरलेस नहीं बना सकता, डर क्रिएट कर सकता है, बिकॉज थॉट इज ऑलवेज इन रिलेशन टू समथिंग और समवन, थॉट कांट बी विदाउट अ रिलेशनशिप। आपके और मेरे बीच में स्पेस है, इसके बारे में सोच के दिखाओ, करो कोशिश, मेरे बारे में सोच के दिखाओ, सोच सकते हो, किसी ऐसी चीज के बारे में सोच के दिखाओ जिसकी कोई फॉर्म ना हो। बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? माइंड काम नहीं कर सकता है जी वहां पर, तो थॉट इज ऑलवेज इन रिलेशन टू समथिंग और समवन, जहां पर सिर्फ और सिर्फ दुख है। बट अगर हम समझ जाए इसको कैसे यूज करना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर अगर वहां से दुख भी मिला तो दैट इज ओके, उस दुख की वजह से आप दुखी नहीं होगे। दोनों में फर्क समझ आया? एक है आपकी लाइफ में दुख आना, एक है उसकी वजह से दुखी होना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आपके सामने अगर आपका बच्चा बीमार है तो आपको दुख होगा, आप रोओगे, फूट फूट करके रोओगे, दुखी नहीं होगे। दुखी क्यों होना है? प्यार है, आउट ऑफ लव इट इज कमिंग आउट, आने दो, दुखी क्यों होना है? दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ बींग इन द प्रेजेंट मोमेंट कंप्लीटली एंड एब्सोल्यूटली। This is only possible through right understanding, समझ से, otherwise it is not possible। नहीं तो आप क्या कोशिश करोगे, बैठने की कोशिश करोगे, बार बार कहोगे अब मेरे माइंड में थॉट्स क्यों आ रहे हैं, थॉट्स नहीं आने चाहिए, थॉट्स नहीं आएंगे तो मैं खुश हो जाऊंगा, क्या घोचू बनती है? थॉट्स आ रहे हैं, आने दो, थॉट्स चाहे हो चाहे ना हो मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते, थॉट्स मुझ में आते हैं, मैं थॉट्स में थोड़ी आता हूं, डीप है, मतलब आई एम नॉट टू श्योर पकड़ पाओगे या नहीं। आप इतना ज्यादा थॉट्स में क्यों रहते हो? क्योंकि आपको उम्मीद है कि शायद फ्यूचर में कुछ होने वाला है। अगर ये उम्मीद ही टूट जाए तो, कि फ्यूचर में मुझे खुशी नहीं मिलने वाली है, मिलेगी तो अभी मिलेगी, आज मिलेगी, यही मिलेगी, कल कुछ होगा ही नहीं। थॉट्स हमारे एक्शन को डायरेक्ट करते हैं ना सर, मतलब अगर ऑब्वियसली ये जो थॉट्स हैं इसका कनेक्शन किससे है? थॉट्स का एक्शन से, इससे, उससे, सारी चीज, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। एक्शन का किससे कनेक्शन है? एक्शन का हैप्पीनेस से कनेक्शन है ना जी। आप कोई काम करोगे इसलिए कि वो काम करके मैं खुश हो जाऊंगा,
तो आप एक एस्केप ढूंढ रहे हो, बट आपको समझ आ गया है कि बिना कुछ करे भी खुश कैसे रहते हैं। अब अगर आप कुछ कर रहे हो तो दैट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ हैप्पीनेस, नहीं तो आप गुलाम हो गए ना उस काम के। आप कहते हो ये काम करके मुझे बड़ी खुशी मिलती है, आपके घर वाले कहेंगे मत करो ये काम। आप काम करोगे उसके लिए आपको पैसा चाहिए, पैसा नहीं मिलेगा। काम कर रहे हो इसलिए कि चलो अगर मेरे को वो काम करते रहना, सक्सेस तो चाहिए, सक्सेस नहीं मिल रही है। गाना गाने में बड़ा अच्छा लगता है, गाना कोई सुनने को तैयार नहीं है आपका, करो क्या करोगे, हो गए ना दुखी। आपको ये समझ आए कि बाहर की दुनिया में मेरी जो जरूरतें हैं वो ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू निल है। हम क्या गलती कर रहे हैं, अपनी जरूरतें बढ़ाते चले जा रहे हैं, पता नहीं है, यही कर रहे हो आप गलतियां। क्या कभी बिना पैसे के आप एक हफ्ते तक, 10 दिन तक रहे हो अकेले? कभी नहीं। तो डर लगता है ना, मेरे से चला जाएगा तो क्या होगा, वो क्या होगा, गुलाम नहीं हो आप चीजों पे। तो सुप्रीम इंटेलिजेंस किसे कहेंगे? खुश रहने का तरीका क्या है? अगर सिंपल वे में बोला जाए, आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि जो भी कुछ है मेरे पास में वो सब चला भी जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इतने सारे गुरुद्वारे हैं, वहां पर जाऊंगा, फर्स्ट क्लास लंगर मिलता है, बहुत टेस्टी होता है, घर के खाने से ज्यादा अच्छा होता है। खाना नहीं भी मिलेगा तो हाथ पैर है यार, जा करके पेड़ पौधे हैं, ये है वो है, तोड़ो पोड़ो खाओ, ये वो, खेतों में चले जाओ जाके, बोला आज थोड़ा काम करता हूँ, खाना खिला देगा, हाँ ठीक है खिला दूंगा, क्या है। मतलब कहने का है कि पहले तो आपके अंदर से जो डिपेंडेबिलिटी है चीजों के ऊपर से वो निकल जाए, मतलब आपके जो खर्चे हैं वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाए। दूसरी तरफ से आपको थॉट को यूज करना आ जाए, आपको ये पता हो कि आई हैव द पोटेंशियल टू अर्न एज मच एज आई वॉन्ट, एज मच एज आई कैन, एट द सेम टाइम आई हैव द कैपेसिटी टू लिव विदाउट मनी। फियरलेस हो गए ना। ये दो एक्सट्रीम होती हैं। हमारी प्रॉब्लम क्या है, ज्यादातर लोग इस दुनिया में प्रॉब्लम क्या है, अपने पोटेंशियल पे काम नहीं करते, अपने आप को कैपेबल बनाने के ऊपर, कि भाई अपने आप को ऐसा बना दिया जाए कि अगर जीरो से कहीं तक भी पहुंचना है तो मेरे लिए खेल है, पैसा कमाना मेरे लिए खेल है। ऐसा किसी की आंखों में नजर नहीं आता है। रेयरेस्ट ऑफ रेयर लोग होते हैं जिनकी आंखों में डर नजर आता है। बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उनकी भी आंखों में डर नजर आता है कि पिताजी का बिजनेस था, उन्होंने सेट करके दे दिया है, कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा, डरे हुए हैं। तो कैसा अपने आप को बना दो, एक तरफ से वो कैसे बनेगा, थॉट से बनेगा, और कैसे बनेगा, मतलब खुश रह के तो नहीं बनने वाला कि आप बैठे हुए आराम से, हाँ ठीक है अपने आप सब हो जाएगा, नहीं होगा जी। थॉट से अपने आप को बेटर बनाया, अपने ऊपर काम किया, ये किया वो किया, वो किस लिए कर रहे हो आप, अपने आप को कैपेबल बनाने के लिए। लेकिन ये तो हो गई एक साइड, इसको आप यूज कर रहे हो अपने आप को बेटर बनाने के लिए। दूसरी तरफ से क्या है, आपको समझ आ जाएगा अब मैं चाहे अपने आप को कितना भी बेटर बना लूं, कितना भी पैसा कमा लूं, कैसा भी कुछ कर लूं, इस सबसे भी कुछ होने वाला नहीं है। देख लिया दुनिया में बहुत तरह के लोग, देख लिए हर तरह के, देख लिए वो भी, देख लिए जो सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठे हुए हैं, वो भी देख लिए जो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, कहीं कुछ नहीं है। तो कहाँ है, इसको ध्यान से समझ लेना। ये समझने में है कि जो थॉट्स हैं इसमें कुछ नहीं पड़ा, ये सिर्फ सर्वाइवल के लिए जरूरी है, बस। इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए थॉट जरूरी है, आपका समझदार होना जरूरी है, नहीं तो लोग आपको बेच के खा जाएंगे, बस इतनी सी जरूरत है। इतना अगर हमको समझ आ जाए तो क्या होगा, दिन में मानो 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे 9 घंटे जितना भी आपने काम किया उस वक्त तो पूरी तरह से थॉट को यूज किया अपने आप को कमाल का बनाने में, और बाकी टाइम क्या किया, थॉट को छोड़ छाड़ के बैठे हुए हो, थॉट की कोई जरूरत नहीं। अब जब आप देखोगे किसी को भी तो उस देखने में प्यार होगा और कुछ नहीं होगा। आप घंटों तक बैठे बैठे कुछ भी देखते रहोगे, आप बेवकूफ नहीं हो, समझ गए ना। इफ रिक्वायर्ड आप थॉट को यूज कर सकते हो, आप नहीं कर रहे हो क्यों, समझ आ रहा है उनकी जरूरत नहीं है, आई डोंट नीड थॉट टू लुक एट यू, मुझे आप लोगों को देखना है, आपकी आंखों में देखना है, उसके लिए थॉट की जरूरत है क्या, आंखों से मैं आपके दिल में नहीं देख सकता हूं, सोचने की क्या जरूरत है, क्या मैं देख नहीं सकता हूं कि आप लोग भी बिल्कुल मेरी तरह ही हो। हम लोग बाहर बाहर से अलग दिख रहे हैं, अंदर से एक जैसे,
सिर्फ यही एक तरीका है खुश रहने का।